Hello, second years. So today we'll move on to your next poem. Usi see books say "Ripples on the Sands of Time." The next poem is called "Animals" by Walt Whitman. Uh, Walt Whitman, you know, born 1819 in New York, America. He's one of the most influential American literary figures. You know, mahan kavi rahe and very powerful poet. Personal favorite bhi rahe hain mere unhone. Like you know, he has been a companion to me. उन्होंने बहुत कुछ मैंने उनकी किताब से सीखा है जो उनकी फेमस बुक है लीव्स ऑफ ग्रास सो ही वॉज़ अ पोइट एस एस जर्नलिस्ट स्कूल टीचर काफ़ी चीज़ें इन्होंने की और बड़े ही साधारण परिवार से थे इनफैक्ट ही हैड नो लाइक यू नो फॉर्मल एजुकेशन के नाम पे इनका ऐसा कुछ नहीं था बट ही स्टिल रेड लाइक द ओल्ड फेमस पोएट्स एंड राइटर्स सच एज होमर ग्रीक और इटालियन में डांते एंड देन ऑफकोर्स विलियम शेक्सपियर तो इसी के चलते इनको पोइट्री का शौक रहा था इनका हालांकि ही डेंट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन और बट थैंक्स टू हिज बैकग्राउंड यू नो ही वाज नॉट लाइक अ नॉर्मल इंटेलेक्चुअल पोइट्स जो कि अरिस्टोक्रैटिक होते थे जैसे ब्रिटिश पोइट्स ज़्यादातर क्या है एक जो हायर uh, क्लासेस से आते थे और वो क्या है अपने सोशल सर्कल के बारे में लिखते थे राजाओं ये सब नोबल्स के बारे में लिखते थे या फिर क्या है रोमांटिसिज्म में थे बट वॉल्ट विटमैन हैड अ वेरी रूटेड वॉइस यू नो उनकी नेचर से बहुत जुड़े थे और बहुत ही रॉ उनकी इमेजेस होती थी जैसे पत्तों के बारे में बात कर रहे हैं फूलो ही इज़ टॉकिंग अबाउट गारबेज सड़ती हुई चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो इन्हें काफ़ी एक यू नो ही इज़ नोन एज लाइक सॉर्ट ऑफ अ कॉन्ट्रोवर्शियल पोइट बिकॉज क्या है कि अगर आप वो तो ऑब्वियस बात है एनी टाइम जो एक जो समाज का एक नॉर्मल एक स्टैटस को होता है कि समाज में ये चीज़ें धारणाएँ हैं ऐसी जा, मानी जाती है या फिर ऐसा लिखा जाता है सो उसमें आप कुछ नया लाएंगे तो ऑब्वियसली यू नो कंट्रोवर्सी होगी कुछ विवाद होगा सो स्पेशली पॉलिटिकल मैटर्स में और सेक्शालिटी के मैटर्स में इनकी कविताएं काफ़ी थोड़ी क्या है विवाद खड़ा करती थी कंट्रोवर्शियल थे एंड एट द सेम टाइम ही सॉर्ट ऑफ लाइक द वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ फ्री वर्स फ्री वर्स बेसिकली वॉट इट इज की क्या है जैसे जो नॉर्मल आप जो नॉर्मल क्या जो पुरानी शायद ज़्यादातर मोस्ट ऑफ़ द पोम्स यू मस्ट हैव रेड इन हिंदी और इन इंग्लिश जो स्कूल में इनफैक्ट इवन द लास्ट पोएम जो आपने पढ़ी अजाम ऑफ लाइफ राइम स्कीम है एक प्रॉपर मीटर है एक रिदम है फ्री वर्स का क्या है इट्स जस्ट इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्रोज यू नो इट्स जस्ट अबाउट द रिदम कोई स्कीम नहीं होगी आपको एक लाइन इतनी लंबी है तो अगली लाइन क्या है इतनी लंबी हो सकती है इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू रीड इट यू नो सो वॉल्ट विट और मॉडर्न पोइट्री अब ज़्यादातर क्या है फ्री वर्ड्स में ही लिखी जाती है सो वॉल्ट विट इज सपोज बी ए पायनर ऑफ दैट और इनकी जो सबसे जो इनका जो क्या है महाकाव्य या ग्रंथ बोल सकते हैं आप लीव्स ऑफ ग्रास घास की पत्तियाँ उसे ये पहली बार इन्होंने अपने ही पैसे लगा के 1855 में पब्लिश किया था और उसी किताब को ये क्या उसमें है उसमें कविताएँ जोड़ते रहे रहते अपने डेथ तक दैट इज़ 1892 टिल देन ही केप्ट रिवाइजिंग दिस बुक लीव्स ऑफ ग्रास इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक एंड वॉल्ट विटमिनज़ अ वेरी लॉफ्टी लाइक मेजेस्टिक वॉइस जैसे कि वो एक क्या है बिल्कुल दुनिया से अलग ही एक कहीं खड़े हो के देख रहे हैं सब चीज़ों को और उनके बारे में बता रहे हैं इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ गॉड लाइक इन ट्रांसेंडेंटल तो उसका जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगा लाइक सो आई शेयर दिस पोएम विद यू दिस इज़ द फर्स्ट पोम इन लाइक यू नो लीव ऑफ क्रास का जो एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्ट्री पोम है और इसी से आपको थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि किस तरह की आवाज़ थी वॉल्ट विटमिन की Come, said my soul, such verses for my body let us write, for we are one. That should I after death invisibly return, or long, long hence in other spheres, there to some groups of mates the chants resuming, tallying earth, soil, trees, winds, tumultuous waves, ever with pleased smiles I may keep on, ever and ever, yet the verses owning, as first I, here and now, signing for soul and body, said to them my name. वॉल्टिटमैन सो बेसिकली यू नो वॉट असम सेट माई सोल कह रहे कि इनकी आत्मा ने बोला आओ सच वर्सिस फॉर माई बॉडी लेटस राइट जो हमारा शरीर है उसके लिए कुछ ऐसी कविताएं लिखते हैं कुछ ऐसे वर्सेज लिखते हैं फॉर वी आर वन क्योंकि आत्मा और शरीर क्या है एक है डेट शुड आई आफ्टर डेथ इन विजिबली रिटर्न की चाहे मृत्यु के बाद मैं अगर वापिस लौटू इन विजिबली या फिर लॉन्ग लॉन्ग हैं इस समय के कई बाद कई युगों बाद इन अदर्स फेयर किसी और ही दुनिया में मैं देयर टू सम ग्रुप ऑफ मेट्स द चांस रिज्यूमिंग ये जो वापस ये जो मंत्र है मेरे गीत हैं मेरी कविताएं हैं इन्हें क्या है मैं वापस एक ग्रुप ऑफ मेट्स दोस्तों के बीच में वापस गाऊँ टैलिंग अर्थ सॉइल ट्रीज विंडलचुअस वेव्स जो मैंने कहा था नेचर इमेजरी तो क्या है टैलिंग गिनू वहाँ पर मैं उनको बताऊँ पृथ्वी के मिट्टी के बारे में पेड़ों के बारे में हवाओं के बारे में और लहरों के बारे में ओशंस के बारे में एवो विद प्लीज स्माइल्स आई मे केप ऑन एक प्लीज स्माइल के साथ मुस्कुराहट के साथ मैं ये करता रहूँ गीत गाते रहूँ एवन एवर येट द वर्स इज ओनिंग और हर जब भी मैं गाऊँ इन गीतों को क्या है मैं अपनी ओनरशिप दूँ अपनी छाप दूँ जैसे कि एज फर्स्ट आई हेयर एंड नाव जो मैं अभी जो ये कविता लिख रहा हूँ वैसे ही साइनिंग फॉर सोल एंड बॉडी अपनी आत्मा और शरीर पे क्या है साइन कर रहा हूँ सेट टू देम नेम माई नेम अपने नाम से जो कि क्या है वॉल्ट विटवेट सो इससे आपको थोड़ा है होपफुली कुछ अंदाज़ा लगे कि किस तरह के कवि थे एंड सो आई लेट्स मूव ऑन तो ये जो क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ करके एक कविता है लीव्स ऑफ ग्रास में उसके सेक्शन थर्टी टू से आपको एक छोटा सा सेक्शन लिया गया है एनिमल्स सो दिस पोम कुड बी सीन अ सॉर्ट ऑफ यू नो अट्रीब्यूट टू एनिमल्स उनकी जो क्या है इनहेरेंट सिंसेरिटी सेरेनिटी और गाइलेस बिहेवियर अगर जो बोलें कि यानी जैसे इंसानों को आप देखें तो इंसान का क्या है दिमाग चलता है दैट इज़ अ गिफ्ट बट ऑल्सो कभी कभार कुछ ज़्यादा ही चलता है सो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक द प्रॉब्लम यू नो ह्यूमनज ओवर थिंक बट ऑन दी अदर हैंड ये जो गाइल है इस तरह की जो चलाकपन चलाकी है वो जानवरों में नहीं होते जानवर क्या है ऑपरेट थ्रू नेचुरल नेचुरल लॉज भूख लगी है खाना है जो भी है इस तरह की चीज़ें यू you नो know. एक दूसरे को अगर वो मार भी रहे हैं यू नो इंसान ह्यूमंस यू नो हंट फॉर ग्रीड बट एनिमल्स ऑलवेज हंट फॉर हंगर इट्स अ नेचुरल लॉ भूख लगी है शेर को तो वो शिकार करेगा और खाएगा उसके बाद जब भूख नहीं है ही विल लेट द एनिमल्स गो यू नो ही इज़ नॉट गोइंग टू किल देम फॉर देयर स्किन और हॉर्न्स और समथिंग लाइक दैट राइट सो इसके अलावा द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइक यू नो एनिमल्स आर अनकम्प्लेनिंग इंसान क्या है जीवन भर कभी संतुष्ट नहीं होता है उसको अगर पैसा चाहिए पैसा मिल जाए तो उसे कुछ और चाहिए सो थिंग्स लाइक दैट यूर एनिमल्स आर अनकम्प्लेनिंग एंड दे आर नॉट टॉर्मेंटेड बाई गिल्ट उनके जिमन में कोई रिग्रेट नहीं है कोई गिल्ट नहीं रहता जो कि अक्सर क्या है इंसान अपना पूरा जीवन इन चीज़ों में निकाल देते हैं एनिमल्स अगेन एज वी टॉक्ट अबाउट लेकिन दे ऑपरेट थ्रू नेचुरल लॉर्स जैसे फाइट और फ्लाइट कि अगर सामने कुछ है अगर कोई दुश्मन है तो अगर ताकतवर है तो फ्लाइट भाग जाओ और अगर ठीक है वो आपको लगता है आप उनका मुकाबला कर सकते हैं सो यू विल फाइट राइट बट ऑन दी अदर हैंड ह्यूमन बींग्स क्या है पॉलिटिक्स है अगर आपके सामने कोई है दुश्मन है पहले तो आप उसको पता ही नहीं लगने लोगे कि दुश्मन है यू विल ट्रीट हिम लाइक अ फ्रेंड बिल्कुल मीठी बातें करेंगे और जो क्या है साइड से छुरा भी घूम सकता है ऐसी टाइप की चीज़ है कंट्रास्ट कंट्रास्ट इज़ मेकिंग और फाइनली ही सेज विटमैन क्यों बात कर रहा है इन एनिमल्स की बिकॉज ही सेज़ ही फील्स अ किनशिप कहीं ना कहीं जो उनके अंदर एक जो कवि के अंदर जो एक जो प्योर नेचुरल जो रॉ एक जो ऊर्जा एनर्जी है सेम शायद क्या है उन्हें जानवरों में मिलती है जो कि क्या है एक नेचुरल जो हमारा सोर्स है जो अब हमारे अंदर है वही जानवरों में है बट क्या इंसान क्या है उस प्योर नेचुरल एनर्जी से शायद धीरे धीरे थोड़ा दूर हो गए हैं भटक गए हैं थैंक्स टू आर Ideas of progress and greed and all of that, right? So, all right, so let's move on to the poem Animals by Walt Whitman. I think I could turn and live a while with the animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them sometimes half the day long. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or industrious over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. So, as you can see, first of all, free verse. टिपिकल पैटर्न या फिर क्या है कोई राइम नहीं है इनका इस कविता में बट स्टिल देर इज अ रिदम जैसा कि आप अगर सुनेंगे ध्यान से तो एक लय है शब्दों का सो दैट्स वॉट फ्री वर्स इज अबाउट सो वॉट्स सी सेंग आई थिंक आई कूड टर्न एंड लिव अ वाइल्ड विद द एनिमल्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या है कुछ समय दुनियादारी छोड़ के जानवरों के साथ रह सकता हूँ दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट वो इतने शांत है और सेल्फ कंटेंट है अपने में खुश है बाहर की चीज़ों में दे आर नॉट कंसर्न टू मच अबाउट द एक्सटर्नल की क्या है मेरे बाल कैसे लग रहे हैं या फिर मैंने कैसे कपड़े डाले या फिर क्या है वो मेरे बारे में क्या सोचता है कि मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं ऑल दीज थिंग्स आई स्टैंड एंड लुक एट देम समाइम्स हाफ द डे लॉन्ग कभी कभार क्या है मैं खड़े खड़े उनको आधा दिन देखते ही रह जाता हूँ बैठे दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन जो इंसान क्या है ही कीप स्वेटिंग एंड वाइनिंग वाइन कंप्लेन स्वेट पसीना तो क्या है पूरा समय अपना इंसान क्या है अपनी कंडीशन अपनी स्थिति पे रोते रहता है ये नहीं है वो नहीं है ये कब होगा शादी करनी है या किसी की करवानी है और ऑल ऑफ दिस जानवर लोग ऐसा नहीं करते हैं दिस दे लिव सिंपली दे लिव नेचुरली दे डू नॉट लाई अ इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस जानवरों में क्या है सिन ये पाप ये सब तरह का गिल्ट ये सब नहीं है वो क्या है अंधेरे में बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए रोते नहीं बैठते दे ड नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग द ड्यूटी टू गॉड और बाकी क्या है इंसान भी है हमेशा कही न कहीं ना कहीं ड्यूटी टू गॉड की बात चलते रहती है ये करना चाहिए एक अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए सब शब्दों में हम ज़्यादा बात करते हैं एक्शन में नहीं करते इनफैक्ट अच्छे इंसान के जो क्या है कर्म हम नहीं करेंगे बट वी ऑल हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज हम सब ओपिनियंज है वील we'll टॉक जानवर क्या है ऐसा नहीं करते हैं दे सिंपली लिव नॉट वन इज डिसटिस्फाइड कोई भी जानवर क्या है डिसैटिस्फाइड नहीं है नेचुरल प्रोसेस है उसे भूख लगी है या फिर उसे क्या है ठंड लग रही है अपना घर बनाना है घोंसला बनाना है वो अलग बात है बट नो वन इज डिसटिस्फाइड जैसा उनका जीवन है दे लिव उन्हें जो करना है वो करना है नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स कोई भी जानवर क्या है जो एक मेनिया है एक पागलपन होता है इंसानों में ऑफ ओनिंग थिंग्स कि ये चाहिए वो चाहिए पहले क्या है मारुति ले ली उसके बाद क्या है फिर uh, कोई और गाड़ी चाहिए करते करते आपको मर्सिडीज़ चाहिए फिर रोल्स रॉयस चाहिए वैसे एक घर चाहिए तीन घर चाहिए सो गए तो क्या है एक ही घर में आप लेकिन क्या है चाहिए आपको जानवर में ऐसा नहीं होता ऑब्वियसली नॉट वन नील्स टू अनदर अदर नॉट टू काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो कोई भी क्या है जानवर क्या है एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेकता ये जो क्या है हिरण भी शेर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करता कि मुझे छोड़ दो उसे पता है खाएगा तो हिरण भाग जाएगा डर सकता है लेकिन उसके सामने वो झुकेगा नहीं जा इंसानों में आपको पता है क्या होता है इनफैक्ट क्या है ज़्यादातर पूरी दुनियादारी ही इसी पे चलती है कि आप अपने से नीचे वालों को दबाइए और अपने से ऊपर वालों के सामने हाथ जोड़िए एंड नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिस्स काइंडट लिव थाउजेंड अगो वैसे इंसानों में क्या है, एक एंसेस्ट्रल वर्शिप भी है या फिर क्या है जो पुराने लोगों की जैसे क्या है हम अभी तक जीसस बुद्धा राम ये सब जो बात करते रहते हैं तो जानवरों में ऐसा भी नहीं है कि जो उनके जो हज़ारों साल जैसे एक अगर हाथी है देर एन एलिफेंट एंड सो ही डज नॉट थिंक अबाउट हिज ग्रेट 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 ग्रैंड फादर ऑफ़ एन एलीफेंट हुए बी थाउजेंड ऑफ ईयर अगो यू नो हम लोग पूछते हैं धूप जलाते हैं बहुत चीज़ें करते हैं नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और इंडस्ट्रियस ओवर द होल अर्थ और पूरे जो क्या है पृथ्वी में कोई एक ऐसा जानवर नहीं है जो कि क्या है रिस्पेक्टेबल और इंडस्ट्रियस हो जो कि क्या है पूरी पृथ्वी को में एम्बिशन अपनी फैलाना चाहता है इंडस्ट्रियस काम करना चाहता है या फिर क्या है रिस्पेक्टेबल बनना चाहता है ऐसा कोई जानवरों में ऐसा सिस्टम है ही नहीं इस तरह का एम्बिशन जो इंसानों में होता है कि क्या है पूरा अपना नाम फैलाना है या फिर क्या है रिस्पेक्टेबल बनना है काम करना है सो दे शो दे रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम दे और देम क्या है एनिमल्स दे एनिमल्स शो देर रिलेशन टू मी ये जो एनिमल्स और जो एक जो पोएट के बीच में एक नाता है वो क्या है एनिमल्स उसको फ्रीली दिखाते हैं और पोएट उसे एक्सेप्ट करता है कि क्या है शायद इंसानों से ज़्यादा रिलेशन वॉल्टिटमैन का जानवरों से है क्योंकि अपने अंदर जो वॉल्टिटमैन एक नेचुरलनेस देखते हैं वो उन्हें क्या है बस जानवरों में दिखती है आम तौर के जो इंसानी समाज में नहीं दे ब्रिंग मी टोकन्फ माई सेल्फ जो टोकन क्या होता है कुछ साइन होता है मोमेंटो होता है जेस्चर टाइप का फीलिंग्स तो ये क्या इस तरह के जो उनके अपने ही अंदर जो जिस तरह के जो भावनाएं हैं या फिर जो चीज़ें हैं वही चीज़ें क्या है टोकन उन्हें जानवरों में दिखते हैं और जानवर उन्हें वटमेन को दिखाते हैं दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन वही क्वालिटीज़ क्या है प्लेनली उनके पास पड़ी है इन देयर ओनरशिप अब असल में ये जो पोएम है यू नो दिस पोएम गोज़ ऑन अबिट फर्दर लेकिन आपके कोर्स में यहीं तक है तो आगे चल के विटमैन जैसे बात करते हैं कि ये जो टोकन्स है जानवरों में शायद क्या है पहले कहीं इनके बीच में नाता जुड़ गया था जब विटमैन क्या है इनको इन्हीं रास्तों से चल रहा था और क्या है जानवर इसे ऑब्जर्व कर रहे थे और वहीं से कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो वहाँ से इनके बीच में ये रिलेशन बना बट सिंस Uh, आपके कोर्स में बस यहीं तक ये यह कविता है सो वी विल नॉट गेट टू गेट इन टू ऑल ऑफ दैट सो या सिंपल पोएम शॉर्ट पोम अगैन टेक अ लुक एट लाइक यू नो वर्ड मीनिंग्स रेफरेंस टू कंटेक्सट क्वेश्चन देखिए इन्हें एंड प्लीज डायरेक्ट योर क्वेश्चन टू मी एनी टाइम